सितारों के साथ बड़ा मजाक। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के 14 लाख बेरोजगारों के साथ बड़ा भद्दा मजाक हुआ है। बजट में बंपर भर्तियों की आस लगाए बैठे युवा अब आने वाले दौर में पकौड़े तलने पर मजबूर हो जाएंगे। इस साल सरकार अपने आखिरी कार्यकाल में केवल 30,000 नौकरियां ही देने जा रही है। अब ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। चुनावी साल में क्या बेरोजगार अब बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। चुनावी साल है, चुनावी महक भी बजट से आने लगी है, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, चुनावी महक से सराबोर है ये बजट जी। शायद लोकतंत्र में ये बड़ी राजेश जी विडंबना रहती है कि सरकारें अंतिम वर्ष में जो है ना वो बहुत समझदार हो जाती हैं जी। अगर सरकार शुरुआत में ही योजनाओं का खाका खींचकर उन्हें अमली जामा पहनाए तो एक स्वच्छ सियासी वातावरण जो है वो तैयार किया जाता क्या बात है। बहुत खूब। अब ये सवाल इसलिए था कि चुनावी महक क्यों आ रही है, क्योंकि सवाल इसलिए था कि बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे, आपने इतनी देर से स्टडी कर रहे थे, आप ये देखिए कि लोगों को साधने के लिए सरकार ने एक तरह से कोई कसर छोड़ी नहीं है। मकसद तो वही है ना कि चुनाव आ रहे हैं। जाहिर है, चुनावी वर्ष है और हर सरकार जो है वो हाथ पांव मारती है जी। बजट कितना खट्टा या मीठा है ये राजेश जी आने वाले समय में ही पता चल सकता है, अभी हम इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे जी। जिला परिषद की बात कर लें, बीडीसी की बात कर लें, पंचायत प्रतिनिधियों की बात कर लें, नगर निगम या नगर परिषद के जितने भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अहदेदार हैं, सरकार ने सबका मानदेय बढ़ा के इशारा तो कर दिया है कि सबको साथ लेके सबको साधने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? स्पष्ट है राजेश जी के ये चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। अलबत्ता इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल कितना होगा और कितनी तेजी से होगा ये आने वाले समय में ही, क्योंकि ये भी भविष्य के गर्भ में रहती है। बिल्कुल, देखिए नगर निगम का जो महापौर है, हर महीने 15,000 रुपए सरकार प्रतिमाह मानदेय देगी। जो नगर निगम का उप महापौर होंगे उन्हें 10,000, पार्षदों को, नगर निगम के पार्षदों को 6,050 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। नगर परिषद के जो अध्यक्ष उनके लिए 8,000 रुपए प्रति महीना, उपाध्यक्ष को मिलेंगे 6,500 रुपए प्रति महीना, नगर जो पार्षद हैं नगर परिषद के 3,000 रुपए प्रति माह, नगर पंचायतों के जो प्रधान हैं उनको मिलेंगे 6,500 रुपए प्रति महीना, जो उप प्रधान हैं 5,000 रुपए प्रति माह उनको मिलेंगे, और सदस्यों को 3,000 रुपए प्रति माह मानदेय सरकार देगी। इसके अलावा जो साधने की कोशिश हुई है, जिला परिषद उपाध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं, 10,000 रुपए प्रति महीना देगी सरकार। जिला परिषद के उपाध्यक्ष को 6,000 प्रति महीना मिलेगा, बीडीसी अध्यक्ष को 9,000 मिलेगा, और जो उपाध्यक्ष होंगे उनको 6,550 रुपए अब मिलने जा रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत प्रधानों की। ओंकार जी, 5,550 रुपए सरकार मानदेय हर महीने अब इनको देने जा रही है। उप प्रधानों को मिलेंगे 3,500 रुपए प्रति माह, और सदस्य जो ग्राम पंचायत के सदस्य जो होंगे उनको अब 300 रुपए प्रति मीटिंग या प्रति बैठक के सरकार इनको भुगतान करने जा रही है। तो इस तरह की जो इनको जो साधने की सरकार ने ये पैसा जो जिस तरह से खजाना खोला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, वो लक्ष्य और वो टारगेट एक तरह से ये चुनाव ही हैं। अब सबसे बड़े मसले पे हिमाचल के आते हैं, बेरोजगारी या बेरोजगारों का आंकड़ा जिस तरह का सामने आया है, उनको साधने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? आज कहा जा रहा है 30,000 के करीब नौकरियां निकालने का ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है, क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है कि अगर पूर्व में घोषित जो पद हुए थे उनको ही हम भर नहीं पाए हैं जी। मैं मोटा एक आंकड़ा आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं कि शिक्षा विभाग में 8,000 पद जी और लोक निर्माण विभाग में 5,000 पद जो है वो पिछले बजट में उनका प्रावधान किया गया, उनकी घोषणा की गई थी कि 13,000 सीधे यही हो गए, 13,000 सीधे ये हो गए जी। आज के बजट में सरकार ने कहा जी 30,000 और भरेंगे, या तो इनको पिछले जोड़ के 30,000 बनता है या 30,000 में 13 और जोड़े तो वो 43 हो जाता है जी। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर पुराना ही जो एक पेंडेंसी चली हुई है, बैकलॉग चला हुआ है, अगर उसी को हम जो है वो पूरा नहीं कर पाए हैं, वहां भर्तियां नहीं हो पा रही, तो अगला आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घोषणा का शायद बेरोजगारों पे या नौकरी के चाहने वालों पे कोई असर नहीं। तभी तो हमने कहा कि बेरोजगार खबरदार,
14 लाख की प्रदेश में बेरोजगारों की नफरी है। बिल्कुल। आने वाले एक साल को देखते हैं, वो भी चुनावी साल, चुनावी साल में भी अगर सरकार महज 30,000 पद भरने की बात कर रही है तो फिर बेरोजगार करेगा क्या, बेरोजगार जाएगा क्या? फिर तो प्रदेश के लिए स्थितियां ये होगी कि यहां से प्रतिभा का पलायन होता ही रहेगा लगातार, उसको कोई रोक नहीं सकता। अंतिम सवाल है ओंकार जी इस सेगमेंट का, महिलाओं के लिए या महिलाओं को साधने के लिए साफ संकेत सरकार ने दे दिया जिस तरह का उज्ज्वल योजना में, वहां भी तो सिलेंडर बढ़ा दिए ना जी। अब राजेश जी उज्ज्वला योजना जो है उसमें 3 सिलेंडर जो है वो मिला करेंगे, उनको सरकार रिफिल करवाएगी। इस तरह का जो जो पहले योजना थी उसी योजना में बढ़ाया, नई बात यह है कि अब एक के बजाय 3 सिलेंडर जो है, 3 सिलेंडर तो सरकार ने कोशिश हर वर्ग को साधने की है। चुनावी साल का, चुनावी माहौल का ये बजट है, इसके बाद आप देखिए चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अब सवाल लगातार सरकार से पूछता रहेगा कि जो वर्ग छूट गए हैं, जिन वर्गों को संबोधित नहीं किया है, अब मसले उनके भी उठने वाले हैं, रोचक चीजें होने वाली है हिमाचल में।